अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका दानिश ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे से ही होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग निकलेंगे आसनसोल। तो आसनसोल में हम लोग को मिलेगी ट्रेन लगभग 8:30 यानी 12 बजे तक मिलेगी। वहाँ पर 8:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे और 12 बजे ट्रेन है वहाँ से हम लोग का। तो अब कहाँ निकलेंगे वो एक सरप्राइज रहेगा, वो मैं नहीं बताऊँगा अभी। और बैग वैग पैकिंग वैकिंग सब हो चुका है, आप लोग देख ही चुके हैं। ये रहा मेरा बैग, ये और ये सारे बैग पैक हो चुके हैं हमारे। और फूड आइटम भी हो गया तैयार, खाने पीने का तैयार कर लिए हम लोग। तो कोई चीज़ में कमी नहीं रखे हैं हम लोग, पूरी तरह से भर के रखे हैं। तो आप भी सजेस्ट करिए दोस्तों, क्या और लेना चाहिए था, क्या और रख लेना चाहिए जो जर्नी में काम आए हमारा, सजेस्ट करें। और मेरी मम्मी अभी भी काम कर रही है, अभी भी लगी हुई है काम करने में, उनको फुर्सत नहीं है अभी तक। पापा भी लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए थे सुबह से, अभी फुर्सत हुआ है। तो क्या बना रहे मम्मी अभी आप? आलू का पराठा बना रहे हैं। यार ये भाई साहब, इसका तो टेस्ट बेमिसाल लगता है, कोई इसका मैच नहीं है भाई आलू का पराठा का टेस्ट का। और यहाँ से लगभग 6 बजे गाड़ी है हम लोग का, तो 6 बजे पकड़ेंगे उसे हम लोग और फिर हम लोग निकल जाएंगे आसनसोल। आसनसोल में मजा करेंगे, शॉपिंग करेंगे, क्योंकि 12 बजे गाड़ी है, तो उतना देर तक करेंगे क्या भाई। शॉपिंग करेंगे, मजा करेंगे, थोड़ा बहुत बाजार घूमेंगे, तो वो चीज़ का अलग ही स्वाद है, वो लाइफ का टेस्ट आ जाता है एकदम। क्विक मूवमेंट में घूम के आए यार, लगभग 4 घंटा है भाई, 4 घंटा क्या करेगा इंसान। तो चलो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, वहाँ पर मौज हो जाएगी। अब निकलने का समय हो गया हम लोग का, तो हम लोग निकलेंगे आसनसोल के लिए। हाँ चलता ही है। पापा अभी तक लगे हुए जूता का लेस लगाने के लिए। पापा बीमार है, पर चल बंद करके मार दिया। चलिए अब मिलते हैं आपसे आसनसोल में। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्टेशन पे, टिकट लेके निकलेंगे आसनसोल हम लोग। तो हम लोग उतर चुके हैं आसनसोल स्टेशन पे। अब इंतजार है 12:30 का, उस वक्त आएगी हमारी ट्रेन, फिर तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। ये हमने आसनसोल से कॉफ़ी लिया है, टेस्ट वाहियात है। चक के पता आप भी कैसा है? मेरी एडवाइस है ये कॉफ़ी बिल्कुल ना पिए, बिल्कुल ना पिए ये कॉफ़ी। इसका कंसिस्टेंसी देखिए आप लोग, अंदर का नहीं मैं बोल रहा हूँ, अंदर का ही जाएगा। तो बिल्कुल ना पिए ये कॉफ़ी। सही में भाई याद कॉफी थी भाई, मैंने फेंक दिया। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है? अच्छा, रियल रेस्टोरेंट। यहाँ पर हम लोगों ने की थोड़ी फल की शॉपिंग। बहुत हरा है अंकल, ये दीजिए ना। इसको फल के खिला कर दो, मत देखिए। और हम लोग पहुंच रहे हैं टर्मिनार, पता नहीं कहाँ पे है। यहाँ का बेकरी, फेमस बेकरी है मीनार। ये
ये फ्रेश ऑयल है, ये बड़े बड़े फ्रेम है, उधर फ्रेश मीनार खुला हुआ मिल गया इत्तेफाक से, तो कुछ सामान हम लोगों ने ले लिया यहाँ से, तो अब चलिए स्टेशन वापस से, वहाँ पर खाएंगे पियेंगे। दोस्तों पूरा आसनसोल बाज़ार घूम लिया, पूरा मार्केट बंद है, फाइनली एक लस्सी का दुकान मिला है। क्या डाल रहे हैं चचा? क्या है वो? राबड़ी। राबड़ी है, अच्छा डालिए। पाउडर है। अच्छा ये किसमिस, काजू है, काजू चेरी है, चेरी भी डाल रहे हैं। ये बारीक कटी हुई चेरी है क्या? ये रहा वो लस्सी का गिलास, छोटा वाला देखिए पाव गया, काफी इंग्रेडिएंट है इसमें। कि मार्केट्स ऑलरेडी बंद हो चुके थे, थोड़े बहुत चीजें निकाली ली। फाइनली पहुंच गए स्टेशन। दोस्तों हम लोग पहुंच गए ट्रेन पे। हाल ये है कि गाड़ी हो गई है लेट, कितनी लेट है उसका अंदाज़ा बताते हैं आपको। ये हम लोग पहुँचे अभी मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसे पहुँचना चाहिए था सुबह 8 बजे और वो पहुँची है शाम के 4 बजे, काफ़ी लेट है भाई, तो काफ़ी लेट पहुँचेगी कालका। कालका में बहुत देर लगेगा यार, बहुत बड़ा यानी क्या बोल सकते हैं, बहुत ही लफड़ा हो गया है। आराम से चलते हैं, हम थोड़ा स्टेशन घूम लेते हैं इसका। यह है मुगलसराय रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है भाई, काफ़ी धूप भी है। बोले गरम समोसा पेटी, बोलिए जिसने पहुंचना चाहिए था सुबह 8 बजे, हम लोग पहुंचे हैं 4 बजे, बहुत मुश्किल है भाई। लगभग आधा घंटा 10 मिनट रुकता है यहाँ पे, पता नहीं कितना देर रुकेगा, कुछ आ जाएगी जल्दी से अगर खुल गई तो। चलिए मिर्ज़ापुर में आपका स्वागत है। स्टेशन पे जल्दी जल्दी पानी ले लेता हूँ, कब गाड़ी खुल जाएगा पता नहीं, फटाफट। ठंडा पानी है ना? बहुत है 4 बोतल, नहीं ठीक है 4 बोतल।
चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। चार बोतल और हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर स्टेशन दोस्तों। और दोस्तों मुझे यहाँ पर सख्त मना किया गया है कि मोबाइल ना निकाले, क्योंकि यहाँ पर चोरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मोबाइल मैंने रख लिया। और हम लोग हैं अभी कुरुक्षेत्र में। सिग्नल हो गया गाड़ी का, तो आ गया मैं गाड़ी पे। और हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों चंडीगढ़ स्टेशन। इसके बाद यहां से निकलेंगे हम लोग कालका की ओर, और कालका से हम लोग फिर चलेंगे शिमला की तरफ। काफ़ी धूप है अभी यहां पे, मौसम भी अच्छा है, तो थोड़ा प्लान में तब्दीली। तो अब हम लोग चंडीगढ़ से ही निकलेंगे शिमला की तरफ, कालका जाने का प्लान कैंसिल हो गया हम लोग का। और काफ़ी ही सस्ते में हो गया है। हाँ फिर भी ठीक ही है, उतना सस्ता तो नहीं हुआ था, मगर ऐसे देखा जाए तो ठीक ही है। कितना में पड़ा पैकेज चंडीगढ़ से? पैकेज नहीं, चंडीगढ़ से हम लोग को शिमला एक इनोवा का 3000। हाँ यहाँ आना है तो थोड़ा मोल मिलाई करना ज़रूरी है भाई, और आप सोच रहे कि बिना मोल मिलाई के हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ आए तो मोल मिलाई ज़रूर करें। अब बीच में एक दो स्टॉपेज भी लेंगे हम लोग चाय नाश्ता के लिए, तो वो भी दिखाऊंगा मैं, शेयर करूंगा। काफ़ी सारे स्पॉट मिलेगा हमें चाय नाश्ता के लिए, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। हम तो उधर से ले जाते तो मम्मी आपकी थक जाती पूरी। हाँ हम आपको यहीं से गाड़ी कहाँ लेके आएंगे आप इस तरह? यही सर है हमारे, चाय पीने के लिए हम लेके जाएंगे। अभी भी आप लोग शिमला मना ली, पहले हालत देखिए आप लोग, थक गई मेरी मम्मी। चलिए कोई बात नहीं, इतना चलना पड़ता है। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। टिकट कहाँ?